हॉकी के डंडे और बल्ली वगैरह थी एक, और वो लेकर और उन पे हमला कर दिया। तो दो लोगों की चोट लगी है, एक के तो चोट कम है और हाँ वो उसकी तो मृत्यु हो गई। सलाह दर्शक राम राम, मैं थारो बेली प्रशांत। तो आज आप आ रहे हैं रावसर सरकारी हॉस्पिटल में। अठे एक बहुत ही दुखद घटना जकी घटित हुई है। अठे जको है केस का एक रावसर को एक जको लड़को हो विनोद कुमार, तो बिंगी के है कि आज हत्या हो चुकी है। हत्या 3 दिन पहले है, जको 2-3 दिन पहले भी सके मारपीट करी गई। तो रावसर हॉस्पिटल हूँ बिना हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हनुमानगढ़ का जो हॉस्पिटल है गा जगह स्टाफ आया कर्मचारी वहाँ मैंने आगे रेफर कर दिया और भाई गंगनर ले गया। तो लगभग 10-12 बजे को टाइम हो सी कि बंगी जकी है मृत्यु होगी। जी मामला ये है कि अपने भीम आर्मी का एक साथी था जो कि यहाँ सोशल मीडिया पर भरी था, और उसके साथ पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। तो उसका क्या था कि गांव में पोस्टर लगाया हुआ था और किसी असामाजिक तत्व ने वो पोस्टर फाड़ दिया, तो उसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। गांव के अंदर पंचायती के अंदर समझाइश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जो दूसरा पक्ष था जिन्होंने पंपलेट वगैरह फाड़े थे, तो उन लोगों ने पंचायती के अंदर अपनी बेइज्जती फील की और उससे उसने प्रेरित होकर या जो भी कह सकते हैं, तो उसने क्या किया कि इस पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद गंगानगर हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हो गई। तो ये मामला था, और अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई है और इस मामले में 10-12 लोगों को राउंड अप भी उन्होंने किया है। लेकिन अभी क्या है कि एक राउंड अप करना ही हम न्याय नहीं मानते। हम भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम एक राउंड अप करना या एक छोटी मोटी कार्रवाई करना हम न्याय नहीं मानते। हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, मुआवजे की मांग करेंगे, और मुआवजे के साथ साथ अन्य भी हमारी 2-4 मांगे हैं जो आपको या प्रशासन को हम लिखित रूप में देंगे। तो ये था मामला साहब। घटना कदी की थी बताओ थोड़ा। आज 3 दिन पहले की घटना है। मृत्यु की घटना कदी? मृत्यु आज सुबह ही हुई बिंगी गंगानगर पीजीएम हॉस्पिटल में। तो आज आप राव सर खड़े हैं, राव सर अठे के थे अब मांगने लेके खड़े हो? तो मेरी तो जी प्रशासन की प्रशासन में जी मुख्य मुख्य मांगा है वे यही है भी, एक तो पीड़ित पक्ष ने सबों पहले तो न्याय मिले, और बिंग न्याय के अंदर ये बात है भी बंगो एक रस्ते को मामलो है जिका को लेके बंगो बहुत सालों विवाद चल रहे हो, लेकिन बीमा प्रशासन कोई कार्रवाई को नहीं कर रहे हो। तो बिंग मांग के है कि बंगो रस्तो खुला हुआ है, सबों पहली मांग तो आए, और दूसरी मांग है जी की आ है भी बिने मुआवजो दियो जावे 25 लाख रुपया मुआवजो, और उनके रास्ता खुलवाया जाए, और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, और जिन लोगों को इनसे इनको जिन लोगों से खतरा है या जो अन्य गांव के अंदर असामाजिक तत्व घूम रहे हैं वो पुलिस प्रशासन उनको पाबंद करे। घटनास्थल बताओ क्या घटना घटित हुई है? घटना किकरालिया गाँव की घटना है। तो खेत में जा रहे थे, किकरालिया गाँव बताइयो किसी तहसील का नाम है? रावसर तहसील जिला हनुमानगढ़, रावसर तहसील के नीचे किकरालिया गाँव पड़ता है और रामपुरा मटोरिया पंचायत है उसकी। तो गांव में वो अपने कार्यकर्ता थे, वो खेत में पानी लगाने के लिए जा रहे थे और डीजल था उनके पास, तो वो बाइक लेके जा रहे थे और आगे से कार आई और उस कार ने उनका रास्ता रोका। कार ने रास्ता रोक कर और उनके कार के अंदर से हॉकी के डंडे और बल्ली वगैरह थी एक, और वो लेकर और उन पे हमला कर दिया। तो 2 लोगों की चोट लगी है, एक के तो चोट कम है और वो उसकी तो मृत्यु हो गई। ये घटना काफी टाइम से चल रही थी, अम्बेडकर जयंती से ही मैंने सुना है कि अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के अंदर अम्बेडकर के हमारे जो जो नौजवान साथी उन्होंने कोई पोस्ट वगैरह लगाए थे, आपके घर पर लगा रखा था, वो पोस्ट कुछ शरारती तत्वों ने फाड़ दिए। आपस में बातचीत हो गई, फिर गाँव वालों से मीटिंग करके पंचायत हुई, पंचायत में उनको समझा दिया, बात आई गई खत्म हो गई थी। कल शाम को उन्हीं शरारती तत्वों ने ये अपने खेत में कोई काम से जा रहे थे और इन पर नियतों पर उन्होंने जो ये आक्रमण करके ये स्थिति पैदा कर दी, बहुत ही गलत काम किया है। ना तो ये तरीकों घटिया जी ऐसी है अब जिया वाले वो बाबा साहब के बारे में। हाँ जी हाँ जी हैं बाबा साहब पोस्ट पार्ट दियो सोनडी के माँ जी हनुमान मास्टर स्कूल का माँ हनुमान चाली से बांटिया मास्टर बिंग है बावजूद मैं फिर थोड़ी मन के भी थे किताबा क्यों मंटो थे हनुमान चालीसा क्यों मंटो स्कूल मरने की चीज़ कोनी है
थे बंटो तो कोई किताब बंटो पढ़ने के लिए और के लिए बीस यो मतलब के खेता तान हुई है बीस यो मेट्रे तीन आदमी है सोनटी का तीन आदमी है बन के दार कौन करया ढाई महीने गया फायदे कुलाई किंग करा लिए अभी जी के लोग है मारने खातिर वे की करा लिए गए पासू जी का है कि गंगानगर गए कि रायसिंह नगर गए कि राउसर गए गांव का जी का है वो परिवार है वो जी को मारो रास्तो भी रोक रखे है जी की तरह केला का जका जका घटना घटित हुई है छोटे भाई जी सुरो है तो फिर तो बताओ घटना की तरीका घटित हुई और बेकिन तरीका आया थोड़ा सो थे बारे में बताओ पानी पानी भरी पानी लगाने जाए मैं कड़क न्याणी को चली डाली बाटी नहीं गेरा मैं क्या मेम करा मैं मार सी फिर बहाँ बे थोड़ा दोनों चलिया एक छोटे भाई सुरो और एक बाल जगमाल सुरो वहाँ तेल को नहीं तेल लगे दुकान में उगाड़े ने मिंदर कहने तेल लगे बस थोड़ा मोटरसाइकिल आ गया बे अड्डी के भी कच्चा ले बे तेल गला गए अरे चले नहीं बा मोटरसाइकिल आगे काट दियो मानी दे को नहीं यो जी मैं माफी दे दी माने कोई बात बात करी पंचायत टीम ये एक बार पोस्टर पाड्यो नी 24 तारीख को जदे जदे माने सुबह ठा पड्यो भाई बिन छोरन बास पाड्यो नी क्योंकि वो बास तो देख लियो बिन में जे सुबह भी में मान लियो आपती जद कराई नी भाई पोस्टर क्यों पाड्यो मारे घरे लागीडो पोस्टर बाबा साहब की जयंती को मन पाड्यो नी जबे पहला तो मांग घर गाई है क्यों के मारे छोरो को नहीं हो गए बाद में मन ठा लागियो नी जब घरे आके के मार छोरे गलती होगी मन माफी दे दियो कहे थर पोस्ट दूसरा लगवा दिया मैं क्यों चलो कोई बात पोस्ट की कोई बात कोनी चलो ठीक है गांव गा जद यहाँ कर गेर बा पंचायती में बात माफी मांग ली रिया कर गेर मैं बात सलट लिया बिंग बाद में मैं तो बिंग बात ही और कौन करी बिंग बात ही बा रंजीश राख ली क्या मारकुन माफी किया मंगा ली आर बा कर गेर बा इन तरीकों एक योजना बद तरीकों वो घटनाक्रम घटित कर दियो छः तारीख को जो मजलूब हैं जो घायल हुआ उसके साथ मारपीट की थी गाड़ी से बाहर के लोग आए थे तो उसमें हमने चार बंदे राउंड अप किए और जो मुलजिम है बने थे गिरफ्तार कर लिया बने हाँ और एफआईआर भी हो चुकी है हाँ होगी और आगे की क्या कार्रवाई आगे पंचनामा वगैरह कराएं पोस्टमार्टम करवाएंगे थे देश को क्या अभी जकी है मृतक को शरीर लेके गाड़ी अभी अंदर आई है और बिन साथ दो तीन पुलिस की प्रशासन की जकी गाड़ी लगातार अंदर जा रही है और एम्बुलेंस जकी अभी अंदर आई है विनोद की जकी कह दें कि मृतक के शरीर की जकी बॉडी वाले के अभी जस्ट अंदर एंट्री करी ही है गाड़ी कि ये जो विनोद था ये भीम आर्मी रावसर तहसील का सोशल मीडिया प्रभारी था और क्या हुआ 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी उस पे उन्होंने क्या किया बैनर बना के अम्बेडकर जयंती की बधाई का अपने कमरे पे बाहर चस्पा कर लिया था उसी रंजीश को लेकर गांव के जो दो तीन लड़के थे उन्होंने रात्रि को उस जो बैनर था उसको फाड़ दिया शायद 30 सेकेंड के अंदर 30-40 लाठियाँ उसके बरसाई गई और उसके बाद में उसकी जो चोट लगी थी उसके अंदर लक्कड़ दबा दिया उन्होंने रावसर लाया गया उसके बाद में हनुमानगढ़ रेफर हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर किया था लेकिन वहाँ पर समय के अभाव के कारण हमने वहाँ गंगानगर में एडमिट करवाया और गंगानगर से आज सुबह ये बैड न्यूज मिली कि विनोद की डेथ हो गई है विनोद के हत्यारों को फांसी हो फांसी हो विनोद के हत्यारों को फांसी हो फांसी हो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 विनोद के हत्यारों को फांसी हो फांसी हो भीड़ कितनी है कितनी भीड़ है और धरना पर आज का बैठने आ रहे हैं अठे बैठे हैं मैं धरने पर जत्ते में अन्याय कौन मिला को मैं खड़े कौन नहीं हुआ ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे और यहाँ का तो डिप्टी है अगर पुलिस प्रशासन पिछले 2.5-3 महीने से इस पूरे प्रकरण में ध्यान देती तो आज इतना बड़ा अनर्थ और जो हमारा भाई आज जान से हाथ धोकर बैठा है ये काम नहीं होता तो हमारा एक ये मांग और भी है कि इस DSP को यहाँ से बर्खास्त किया जाए तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमें रात को रुकना पड़े हम सभी नौजवान साथी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यार सड़क पर बैठे रहेंगे
योगेश सिंह साहब, इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए, तो बचना चाहिए। ये बात हमें तो कभी पता लगे भाई साहब, किसी बताया नहीं आगे सब 3 बजे और अगर थे चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो और पास जरा बेल आइकन का बटन दबा दियो ताकि कोई भी घटना घटित हो हनुमानगढ़ जिले की तो थाना बिंगी सूचना है जबकि तुरंत मिलती रहे। और आ वीडियो थाने क्या लगी, थारा विचार है जका माने जरूर है कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके बताया। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।